नमस्कार डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं मैं हूं अशोक श्रीवास्तव पश्चिम बंगाल में कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार के मामले पर जो विवाद जो राजनीति जो लोगों के मन में गुस्सा और उबाल शुरू हुआ था वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है आज एक बड़ा जो है खुलासा हुआ वो बड़ा खुलासा ये कि आज आरजी का हॉस्पिटल की तरफ से जो पीड़ित महिला जो जो बलात्कार का शिकार जो हुई डॉक्टर महिला उनके पिता से जो हॉस्पिटल से फोन किया गया उसका आज ऑडियो वो उजागर हुआ और उस ऑडियो टेप में यानी जो फोन कॉल किया गया उस फोन रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट ने हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट ने पीड़िता के पिता से कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है पुलिस यहां पर आ चुकी है आप भी जल्दी आ जाइए इस तरह के खुलासे रोज हो रहे हैं दो दिन पहले खुलासा हुआ था कि जो बलात्कारी है उसके पास जो मोटर बाइक थी वो बाइक सीधा सीधा पश्चिम बंगाल कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम पर थी पुलिस ने इसमें सफाई दी कि जितने व्हीकल खरीदे जाते हैं पुलिस के वो सब कमिश्नर के नाम पर खरीदे जाते हैं लेकिन सवाल यह है कमिश्नर के नाम पर हो या फिर पुलिस महकमे के नाम पर हो एक बलात्कारी के पास पुलिस महकमे का बाइक जो है वो क्या कर रहा था इस तरह के तमाम खुलासे रोज हो रहे हैं और इसीलिए बंगाल के लोग उत्तेजित हैं बंगाल के लोग इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं अभी भी डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पर हैं ज्यादातर जगह पर डॉक्टर कहीं स्ट्राइक पर नहीं है तो वो इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं डॉक्टर इंसाफ मांगने कोलकाता के आम लोग भी सड़कों पर उतरे हुए हैं कल बीजेपी का बंद था तो आज सड़कों पर ममता बनर्जी एक बार फिर उतरी अपने पूरे सांसदों की फौज के साथ और आज उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि बंगाल को जलाने की कोशिश हो रही है बंगाल में उनकी सत्ता हिलाने की कोशिश हो रही है आज का उनका प्रदर्शन भी उसमें खास बात यह रही कि अभिषेक बनर्जी जो उनके रिश्तेदार भी हैं और उनको ममता बनर्जी का वारिस भी माना जाता है आज भी वो कहीं नजर नहीं आए ये जो तमाम चीजें बंगाल में हो रही हैं, क्या इन सब के कारण ममता बनर्जी तनाव में है क्या इन सब के कारण ममता बनर्जी तेरह साल में पहली बार वो घबराई हुई हैं? क्या उनकी सत्ता जो है वो उनको हिलती हुई दिख रही है ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तो कल ममता बनर्जी ने जिस तरह से धमकी दी थी एक मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जिस तरह से उन्होंने धमकी दी थी कि अगर बंगाल जला तो यूपी जलेगा झारखंड जलेगा और साथ साथ पूरा नॉर्थ ईस्ट जलेगा असम जलेगा जिस तरह से उन्होंने देश को जलाने की धमकी दी थी वो शर्मनाक तो है लेकिन ये कहीं ना कहीं उनका जिस तरह से धमकी देना क्या उनकी हताशा और उनकी बौखलाहट का परिणाम है क्या वास्तव में असहाय ममता बनर्जी जो हैं इसीलिए वो अपने जबान पर कंट्रोल नहीं रख पा रही हैं। आज दो टूक में इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा वो एक मुख्यमंत्री है एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरह की बात करे कि अगर बंगाल जला तो फिर उत्तर प्रदेश जलेगा बिहार जलेगा असम जलेगा नॉर्थ ईस्ट जलेगा क्या ये देश के किसी भी मुख्यमंत्री को ऐसा कहना शोभा देता है आखिर ममता बनर्जी क्यों देश में आग लगाना चाहती हैं ये तमाम सवाल है जिन पर आज दो टूक में चर्चा करेंगे इससे पहले कि आगे बढ़े ममता बनर्जी के उस शर्मनाक बयान को भी सुनिए और साथ साथ इसको लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी हुई है उसको भी सुन लीजिए फिर उसके बाद आज की चर्चा आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे কেউ কেউ মনে করছেন এটা বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি ওরা আমাদের মতো কথা বলে ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক কিন্তু মনে রাখবেন বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র মোদীবাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না

इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे देश सबका है और न्यायपालिका के बदौलत देश चलता है तो ऐसी स्थिति में यह बयान दिया जाना कि बिहार को जला देगा कोई कौन भाई का लाल पैदा लिया जो बिहार को जला देगा राजनैतिक उपद्रव का बयान दिया जाना राज्य के मुख्यमंत्री के नाते पश्चिम बंगाल की वो महिला मुख्यमंत्री हैं यह तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है वो कौन होती हैं बिहार या यूपी के बारे में बोलने वाली उनका अपने जो लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ स्टेट मैटर और उनका जो अभी जो कोलकाता में हुआ है और जो बंगाल में भी सिचुएशन चल रहा है वो उनके गवर्नेंस का स्टेट मशीनरी का कंप्लीट फेलियर है और हम मानते हैं कि ये जो हार है ना जो फेलियर है उनका गवर्नेंस का वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा उनका मन विचलित हो चुका है बिहार में क्या असर रहेगा बिहार मजबूती से खड़ा और बिहार हमेशा मजबूती से खड़ा रहेगा बंगाल की स्थिति बांग्लादेश जैसी होती है एक चीफ मिनिस्टर पूरे देश के अन्य राज्यों में दंगा कराना अराजकता वायलेंस कराने की धमकी दे रहा है तो क्या ममता बनर्जी आसाम में आग लगाना चाहती हैं यूपी में आग लगाना चाहती हैं महाराष्ट्र में आग लगाना चाहती हैं और विपक्ष चुप है राहुल गांधी चुप है अरे भैया मोहब्बत की दुकान वालों जरा कुछ तो बोलो राहुल गांधी हों अखिलेश यादव हों ममता बनर्जी हों ये इस देश को तालिबान बनाना चाहते हैं ममता बनर्जी खुद ये नहीं चाहता कि इसका सही ढंग से तफ्तीश हो बहुत सारे राज खुल जाएगी ना वो नहीं चाहते इसलिए अनाप बोलते हैं लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और आम लोगों की निगाह भटकने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है महिलाएं तो इस देश में अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है और जो अनरेस्ट है वो हम सबके दिलों में है तो दिलों का अनरेस्ट कब सड़कों पर आ जाए इसमें कोई रोक नहीं सकता तो ये किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि वारदात आसाम में भी हुई वारदात बंगाल में भी हुई वारदात राजस्थान में भी हुई वारदात फरुखाबाद में ऐसी हुई कि दिल दहला देने वाली वारदात हुई महाराष्ट्र में लगातार आप वारदातों उनके बारे में सुनते हैं मध्य प्रदेश में सुनते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बंगाल ही में होता है राज्य सरकार इन सारी चीज़ों को लेकर महिला अपराध को लेकर ऐसा लगता है कि ये गंभीर नहीं है जिसके वजह से आज हम लगातार उनके बयान भी देख रहे हैं कभी धमकाने का कभी कुछ तो ये कहीं से भी नहीं लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री एक महिला मुख्यमंत्री गृह मंत्री खुद है स्वास्थ्य मंत्री खुद है और उसके बाद वो रोड पे निकल रही हैं दुख की बात ये है कि जब संविधान विरोधी ऐसी बात ममता बनर्जी कहती है तो संविधान की कॉपी लेकर इधर उधर घूमने वाले राहुल गांधी जी एक शब्द नहीं बोल पाते क्या आग लगाने की धमकी देना उत्तर प्रदेश में बिहार में अन्य राज्यों में राहुल गांधी ये संविधान के साथ है या इस संविधान के खिलाफ है तो ममता बनर्जी के बयान पर बवाल हो गया और सवाल यही है कि क्या ममता घबराई हैं इसलिए जबान लड़खड़ाई है या जबान लड़खड़ाई नहीं है बल्कि वो वास्तव में दिल से धमकी दे रही हैं चेतावनी दे रही हैं अगर धमकी है चेतावनी है तो ये किसके लिए है और किसके दम पर है इन सब पर आज दो टूक बात करेंगे और आज की चर्चा में आज की डिबेट में मेरे साथ पांच मेहमान जुड़ रहे हैं आइए पांचों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं मेरे साथ आज डिबेट में शाजिया आलमी जुड़ चुकी हैं बीजेपी की प्रवक्ता हैं शाजिया आलमी मेरे साथ सोफिया खान जुड़ी हैं टी की नेता हैं सोफिया खान जी मेरे साथ तारिक खान जी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक सूर्य मैथिल जुड़े हुए हैं स्टूडियो में और स्टूडियो में मेरे साथ एडवोकेट विनीत जिंदल हैं विनीत जिंदल जी ने बाकायदा जो ममता बनर्जी का जो बयान था इस बयान को लेकर उन्होंने दिल्ली पुलिस को एक शिकायत दी है पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत दी है और ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ एफआईआर लिखने की अनुमति मांगी है, और ये कहा कि ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ एफआईआर लिखी जानी चाहिए जिस तरह से उन्होंने बयान दिया वो भड़काऊ है और वो सीधा सीधा देशद्रोह राजद्रोह की श्रेणी में आता है और राजद्रोह का मुकदमा ममता बनर्जी पर दर्ज किया जाना चाहिए तो मैं शुरुआत विनीत जिंदल जी आपसे ही कर रहा हूँ विनीत जिंदल जी आपको क्यों लगता है ये जो बयान है ये राजद्रोह की श्रेणी में आता है और आपने सीधा सीधा भड़काने वाला है तो समझ में आता है लेकिन आपने सीधा सीधा राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए एक मुख्यमंत्री के खिलाफ आपने ये शिकायत क्यों किस आधार पर करी जी देखिए अशोक जी सबसे पहली बात राजद्रोह चला गया अब राष्ट्रद्रोह की बात जी 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 राष्ट्रद्रोह की बात यहां इसलिए उठी जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ एक सी एम अन्य राज्यों को यह धमकी दे कि अगर बंगाल जलेगा तो ये ये राज्य भी जलेंगे राज्यों का नाम लिया गया कारण ममता बनर्जी बता सकती हैं कि किन राज्यों में उन्होंने क्यों इस ऐसी बात की लेकिन बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी जिसके हाथ में वहां की पुलिस है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं सरकार वो चला रही है और इस तरीके की बातें करना कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव और बहुत गहरा एक मैं कहूँ संवैधानिक संकट भी है देश के लिए खतरा भी है और ऐसी बातें करना शोभा देने की बात सिर्फ नहीं है यहाँ इंटेंट की बात है क्या ममता बनर्जी देश के अंदर अराजकता लोगों को क्षेत्रवाद के ऊपर लड़वाना चाहती हैं और यही बात मुझे जो उनका जो उनका पूरा भाषण है आज भी उन्होंने एक सब लोग कह रहे हैं दिए हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई क्लैरिफिकेशन है क्योंकि उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर उन्होंने एक शब्द आज भी नहीं बोला ये नहीं कहा कि नहीं मैंने गलत बोला या मेरे कहने का मतलब ये नहीं था तो कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया राज्यों को राज्यों में आग लगाने को लेकर वो बिल्कुल राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है लोगों को क्षेत्रवाद के ऊपर लड़वाने की श्रेणी में आता है और इसीलिए आज कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के पास मैंने शिकायत दायर की है साथ साथ उसकी एक कॉपी मैंने मामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी दी है और एम को भी दी है जो भी लीगल कंप्लाइंसिस की जरूरत होती है कॉन्स्टिट्यूट पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर एफ करने से पहले मैंने ये कहा है कि वो सारे कम्प्लाइंसिस करके इस महिला सीएम जो है हमारे बंगाल की उनके ऊपर एफ दर्ज की जाए लीगली आपको क्या लगता है कि ये मामला कितना मजबूत बनता है ममता बनर्जी के खिलाफ क्योंकि आप सीधा सीधा देशद्रोह का आ, केस लगाना चाहते हैं बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल बनता है आप देखिए कि जब आ, एक मैं वही बार बार कह रहा हूं कि एक व्यक्ति कुछ बोल दे और बोलने के बाद जो शब्द है आप उस शब्द की इंटेंसिटी को समझिए और ये इंसेंटिटी साफ साफ दिखती है क्या पूरा प्रोसेस देखिए किस तरह से बंगाल के अंदर पूरी आरजकता है उसके बावजूद हर बात को यह कह देना कि जी एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पूरी सारी चीज़ें डाल देना क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इशू है उसको आप मेंटेन करने में नाकामयाब हैं ये बात सबके सामने है उसके बावजूद आप हर चीज के ऊपर आप दूसरी पार्टी के ऊपर डाल देती हैं और जब लोग प्रोटेस्ट पे उतरते हैं गुस्से में तो आप ये कहते हैं कि इसके अंदर भी उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और उसके बाद आप ये कहते हैं कि राज्य को जलाने की कोशिश की जा रही है अगर आपको राज्य की जलाने की कोशिश की जा रही है तो आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडीज हैं आपके पास कानूनी रास्ते हैं अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन कोई इनपुट बंगाल सरकार के पास है तो उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए लेकिन आप ये बोल के कि अगर बंगाल जलेगा तो दूसरे राज्य भी जलेंगे और उन उन राज्यों का नाम लेके कहीं ना कहीं उन राज्यों को उन राज्य के मुख्यमंत्रियों को और उस राज्य में रहने वाले एक एक नागरिक को थ्रेट कर रही हैं कि देखिए आप लोग खतरे में हैं और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी वक्तव्य देना बिल्कुल देश के लिए हानिकारक है देश के लिए घातक है और राष्ट्रद्रोह के अंदर आता है ओके तो विनीत जिंदल कह रहे हैं सीधा सीधा ममता बनर्जी का बयान राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत आता है सोफिया खान जी राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत आता है ममता बनर्जी का ये बयान और उन्होंने बाकायदा नाम ले लेकर कहा है दिल्ली जला जल जाएगा उत्तर प्रदेश जल जाएगा राजस्थान बिहार जल जाएगा और नॉर्थ ईस्ट जल जाएगा असम जल जाएगा क्या आपको लगता है ये मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए नमस्कार आप सभी को देखिए अशोक जी बातों को तड़ोड़ मड़ोड़ कर करना तो सबसे पहले भाजपा को तो आता ही है मीडिया वालों को भी आती है इसलिए मैंने कहा क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस संदर्भ में कहा ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा कि मैं जाकर आग लगा दूंगी या मैं जाकर जला दूंगी ममता बनर्जी के सिर्फ कहने का यही मतलब था जैसे आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मारते हैं तो जिनके राज्यों में खुद इतने सारे बलात्कार और महिला के ऊपर इतने सारे आरोप हैं है, जितने जितने सारे केसेस हैं अगर अगर वो लोग बंगाल में एक हादसा होता है बहुत हादसा है। fact, मैं हादसा नहीं बहुत दुखद दुखद हादसा 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 इनफैक्ट मैं नहीं कहूंगी और शर्मनाक हादसा जो हुआ है लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश के हर एक कोने में यह हादसा है ऐसा तो नहीं है कोई एक्सक्लूसिव केस है अगर मैं जिंदर जी से पूछना चाहूंगी क्या ये कोई एक्सक्लूसिव केस है जो अचानक से इस वर्षों बाद सौ वर्षों बाद ये केस हुआ है ऐसा तो नहीं है दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसको मैं इसको डिफेंड नहीं कर रही हूँ मैं ये कह रही हूँ नाजिया जी जी, जी, सुनिए नाजिया जी सुनिए एक मिनट सुनिए एक मिनट आपने कहा कि देश के हर हिस्से में चीजें हो रही हैं ठीक है ना मुझे ये बताइए देश के अन्य हिस्सों में जब इस तरह की चीजें होती हैं पहली बात किस तरह से वहां की पुलिस और उसके बाद वहां की कानून व्यवस्था का इश्यू है वो वो भी छोड़ दीजिए मैं उस पर भी नहीं जाता मैं उस पर नहीं जाता कि आ, वहां पर किस तरह से पीड़ित परिवार को आ, जो है बरगलाया गया किस तरह से झूठ बोला गया किस तरह से धमकियां दी गई वो सब छोड़ दीजिए हाथरस में जब बलात्कार हुआ था हाथ हाथ हाथरस का मामला बलात्कार का तो मामला सामने नहीं हाथरस जब कांड हुआ था उस वक्त ममता बनर्जी सहित पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो उत्तर प्रदेश पहुंचा था ममता बैनर्जी खुद वहां पर उत्तर प्रदेश में जाकर के जो है वहां पर अपनी रैली निकाल रही थी तब क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर यहां पर प्रदर्शन किया यहां पर इस तरह से किया तो फिर उसके बाद बंगाल जल जाएगा कर्नाटक जल जाएगा हिमाचल जल जाएगा तेलंगाना जल जाएगा उन्होंने तो नहीं कहा था फिर ममता बनर्जी इस तरह का कहती है तो इसका मतलब क्या दिखाता है सोच दो त्रियों की सोच सुनिए ना नहीं, दो मुख्यमंत्री सुनिए मेरी बात मेरा सवाल दो मुख्यमंत्रियों की सोच उनके शब्दों से झलक रही है इसको इस आप कैसे कहेंगे इसमें आप मीडिया का दोष दे दीजिए बोलने का मौका दीजिए अशोक जी मुझे बोलने का मौका मैं तो आप सवाल पूछ रहा हूँ तो सवाल तो पूरा हो जाए अगर आप लोग कोर्ट बन गए हैं तो हम लोगों को जरा डिफेंड करने का भी मौका दीजिए नहीं नहीं मैं कोई आधार कोर्ट नहीं हूँ देखिए अब आप कह रही है नहीं नहीं सुनिए एक मुझे आपत्ति है इस बात पे।, पे नहीं नहीं सुनिए सोफिया जी सुनिए सोफिया जी एक मिनट सुनिए सोफिया जी मैं आपको समय दे रहा हूँ लेकिन सुनिए सोफिया जी मैं आपको समय दे रहा हूँ लेकिन एक मिनट सुनिए आपने बहुत आपत्तिजनक बात कही है सोफिया जी सुनिए एक मिनट सोफिया जी सुनिए एक मिनट सोफिया जी आपने बहुत आपत्तिजनक बात की है मैं आप ही को मौका दूंगा अभी मैं आपको पूरा समय दूंगा लेकिन आपने जो आपत्तिजनक बात की है वो वो दर्ज होनी जरूरी है आपने पहली बात क्या कहा मीडिया बड़ा चढ़ा कर दिखा रहा है तो हम क्या राकेश टिकैत की बात मान ले रिपोर्टिंग करनी बंद कर दें क्योंकि तो नहीं तो देश बांग्लादेश बन जाएगा एक बात। दूसरी, बात दूसरी बात दूसरी बात सुनिए मेरी बात पूरी नहीं हुई सोफिया जी मेरी बात पूरी नहीं हुई उसके बाद मेरी, मेरी बात मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप बोलिए दूसरी बात आपने कहा हम लोग कोर्ट हो गए तो आप हमारा भी मुंह बंद कर दीजिए कह दीजिए मीडिया सवाल नहीं उठाए यही चाह यही चाहते हैं ना आप लोग नहीं नहीं मीडिया सवाल उठा रही है मुझे ही हो रही है इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ मीडिया सबसे सवाल करे सब ना मीडिया सवाल करेगी लोगों से सवाल करेगी इसकी आपत्ति है हमें अगर अगर भाजपा के शासन में कुछ भी होता है तो मीडिया चुप हो जाती है मीडिया को दिखाई नहीं देता सुनाई नहीं देता कुछ भी मीडिया को इससे हमें आपत्ति है बाकी मीडिया अगर अपना काम सोफिया खान सोफिया खान हाथरस की रिपोर्टिंग देखिएगा हाथरस की रिपोर्टिंग देखिएगा मैं सिर्फ एक मैं सिर्फ से एक उदाहरण बता रहा हूं जहां ममता बनर्जी बंगाल छोड़कर गई थी प्रदर्शन करने हाथरस की रिपोर्टिंग देखी थी आपने है वर्तमान की बात अरे तो फिर आप वर्तमान में कहा की बात करना चाहती हैं वर्तमान में कहा की बात करना चाहती है वर्तमान में कौन से स्टेट में ऐसा हुआ है कि वहां पर वहां पर कोई बलात्कार का मामला हुआ और उसको इस तरह से इस तरह से दबाने की कोशिश हुई इस तरह से मुख्यमंत्री ने धमकियां देनी शुरू करी एक बताइए मुझे तो भी तो भी, आपके ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं आते हैं जब बदलापुर में छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है तो सोफिया जी सुनिए बदलापुर और बंगाल दोनों पर मैंने एक साथ डिबेट की थी और मुझे और मुझे विपक्ष ने यहाँ पर यहाँ पर टीएमसी समर्थक ने कहा था कि मुझे खुशी है कांग्रेस के नेता ने मुझे कहा था कि मुझे खुशी है कि आप बंगाल के साथ साथ बदलापुर की भी बात कर रहे हैं आप लोग कटघरे पर नहीं खड़े नहीं तो आप आपको आप छोड़ दे हम ना आपको हम छोड़ आप देश जलाइए आप देश जलाने का आप आप ममता बनर्जी देश जलाने का बयान दे ममता बनर्जी डॉक्टर्स को धमकाएं ममता बनर्जी कहे कि बाहर से जो लोग आए हो समझ जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा ये सब आप लोगों को करने दिया मीडिया चुप बैठे संविधान इससे सुरक्षित रहेगा आप लोगों का आपत्ति किस बात है मुझे आपत्ति है मुझे आपत्ति है बताइए है नहीं नहीं मुझे आपत्ति क्यों नहीं है वहाँ की पुलिस जो कर रही है वहां जिस तरह से जिस तरह से एक बलात्कार पीड़ित के, कर, के परिवार को फोन नहीं? करके झूठ बोला गया तीन घंटे तक उनको जो है बॉडी नहीं देखने दी हम लोग क्यों नहीं बोले भाई नहीं नहीं सोफिया जी आप क्या चाहती हो हम लोग मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाए हम लोग मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाए हम लोग मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाए क्या बंगाल का मामला है क्योंकि बंगाल का मामला है इसीलिए सुनिए वो तो तो, वो तो तो कीजिए मैं 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 तो एक बात कह रहा हूँ वो तो शुक्र कीजिए आज हम डिबेट इसलिए कर पा रहे हैं सुनिए मेरी तो बात मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए वो तो शुक्र कीजिए आज हम लोग डिबेट कर पा रहे हैं क्योंकि इस देश में संविधान का सुप्रीम कोर्ट का दस प्राप्त है वरना अब तक तो आप पुलिस भेज करके हमको भी उठवा देते आपकी जो कोलकाता पुलिस जो कर रही थी ना धड़ाधड़ धड़ाधड़ छाप रही थी नोटिस वो तो अशोक श्रीवास्तव और यहाँ जितने पैनलिस्ट जो भी आपके खिलाफ बोल रहा है वो सब इस समय कलकाता की जेल में होते वो शुकर तो शुक्र कीजिए वो शुक्र कीजिए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट तो का शुक्रगुजार होना चाहिए हम लोगों को तो कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये इजाजत दी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे संवैधानिक अधिकार है हम एक बच्ची के लिए एक बलात्कार पीड़िता के लिए आवाज उठा सके ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने हमें दे दिए वरना आप लोगों की पुलिस तो हमको जेल में तो डाल के छोड़ तो देती रुकी अब शाह आलमी शाह देखिए आप लोग क्या है आप लोग बंगाल को जलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके जो जो सोफिया खान कह रही हैं वो कह रही हैं कि ममता बनर्जी के बयान को मीडिया बड़ा चढ़ा कर दिखा रहा है और आप लोग वहां पर बंगाल को जलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका बयान ये नहीं था उनका बयान उन्होंने जो 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 सोफिया खान बता रही हैं मुझे नहीं मालूम बंगला मुझे समझ में नहीं आती लेकिन जितना कुछ मैंने सुना वो बयान तो मैं समझ पा रहा हूँ लेकिन वो ये कह रही है कि उनका बयान ये था कि भाई ऐसी घटनाएं और भी राज्य में हो रही हैं तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है इसलिए ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए नमस्कार आदाब अशोक जी और बाकी जितने भी पैनलिस्ट मौजूद हैं इस वक्त और जो आपके सारे दर्शकों को भी मुझे लगता है ममता बनर्जी हत्ते से उखड़ गई हैं मुझे लगता है कि अपने को बचाने के लिए और लगातार जो संरक्षण देती रही हैं वो और जिस तरह का शिकंजा कसा है उनके आसपास जिसके चलते वो जीतती भी हैं वो शिकंजा है पुलिस का शासन प्रशासन का उन सब गुंडों का जो एक तरह से उनके आसपास मौजूद हैं और उनके इकोसिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है उनके सामने पूरी तरह से निर्बल और असहाय हो गई है वो और उनकी दीदी की जो दादागिरी है तानाशाह दीदी की तानाशाही जो है बहुत दिनों तक नहीं चलेगी आम लोग बाहर निकल रहे हैं आवाज उठा रहे हैं हर राज्य में ऐसा होता है और बहुत ही शर्म की बात है और हम सब लोगों को मतलब मैं क्या बोलूं कि हम सब लोग शर्मसार अगर नहीं महसूस करते हैं तो हमें बार बार करना चाहिए ये देश के ज़मीर पर हर एक इंसान के ज़मीर पर चाहे पार्टी की बात तो छोड़िए हर एक इंसान हर एक परिवार के ज़मीर पर एक काला कलंक है जिस तरह के वाक्य होते हैं लेकिन एक एक ऐसा राज्य है हमारे देश में एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री है हमारे देश में जो एक बार नहीं कई कई बार सुनियोजित तरीके से सिलसिलेवार तरीके से बार बार और कई बार संरक्षण देती हैं अपराधियों का बलात्कारियों का भ्रष्टाचारियों का एक जबरदस्त है आप देखिए क्या हो रहा है स्वास्थ्य मंत्री वो हैं, गृह मंत्री वो हैं मुख्यमंत्री वो हैं संजय रॉय वो इसको राक्षस भी कहें तो मुझे लगता है राक्षस भी शर्मशा देखिए तो आप देखते उसके पास वो मोटरसाइकिल है जिस जो जी जी मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं मेरे पास इस समय कुछ बीजेपी मुख्यालय से कुछ विजुअल्स आए हैं और इस वक्त बड़ी खबर है वो भी आपको बता दूं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है रणनीति बनाने का काम जो है शुरू हो गया है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस और इसके अलावा जे तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ अपनी रणनीति बना रही हैं और बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की बैठक इस वक्त चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सी सी की इस बैठक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है यह बहुत अहम बैठक है हरियाणा में एक अक्टूबर को विधानसभा की नब्बे सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और हरियाणा में दस साल से बीजेपी का शासन है और इसलिए जो है हरियाणा का विधानसभा चुनाव नब्बे सीटों की जो वहाँ पर लड़ाई होनी है वो इम्पॉर्टेंट है दिलचस्प है और देश की राजनीति में कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव जो नतीजे आए उसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव पहले विधानसभा चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर के साथ जिसको लेकर पूरे देश की निगाहें लगी हैं तो इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में ये अहम बैठक चल रही है मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं बीजेपी की सी सी गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे पी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम बड़े लोग वहाँ पर बीजेपी के लोग वहाँ मौजूद हैं तो ये बैठक चल रही है और मैं छोटा सा ब्रेक देख ले रहा हूँ ब्रेक के बाद तुरंत शाजिया आलमी जी एक बार फिर आपके पास आऊँगा क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर है बाकी राज्यों को लेकर भी कहा जाता है भाई वहाँ पे इस तरह के क्राइम होते हैं है। जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें औरते कमा के भी वनरेबल हैं। सो एन पी एस एक इक्वालिटी ला रहा है हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एन पी एस जरूरी है अरे क्या हो गया पूरा का पूरा गाँव यहाँ हाथ ऐसी चारा खिलाते हो तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है अगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है कपिला देश का नंबर वन पशु आहार बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है गैलेंट गैलेंट समझता है जिम्मेदारी अब डबल एम रिब्स के साथ रिबार निर्माण का रियल हीरो भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पाओ नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं हाथी पाँव एक मच्छर के काटने से फैलता है हाथी पाव का कोई इलाज नहीं है साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं दस अगस्त को हाथी पाओ ऐसी बचाव की दवा अवश्य खाये अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी ऐसी बचाए भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी मुथुट फाइनेंस इंडिया का नंबर वन मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें वन एट हंड्रेड थ्री वन थ्री वन टू वन टू शादी का किचन मैके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ गोल्डी लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश तो दो टुक आप देख रहे हैं दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं बंगाल ममता क्यों हुई लाल ममता इतनी लाल हुई इतनी लाल हुई कि उन्होंने बाकायदा तमाम राज्यों को जला देने की धमकी तक डेहराई उन्होंने कहा कि बंगाल जलेगा तो ये सब राज्य जलेंगे तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों ने इसको लेकर पलटवार किया जवाब दिया कि आखिर हमारे राज्य को जलाने की इस तरह की धमकी देना कहाँ तक उचित है और इस बीच ममता बनर्जी को लेकर के उनके बयान को लेकर पुलिस में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास एक शिकायत भी पहुँची है और जिसमें ममता बनर्जी के खिलाफ देशद्रोह का और भड़काने का मामला दर्ज करने के लिए उनसे अनुमति मांगी गई है इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं मेरे साथ पांच मेहमान जुड़े हैं शाजिया इलमी जुड़े हैं मेरे साथ बीजेपी से सोफिया खान हैं टीएमसी सपोर्टर हैं तारिक खान मेरे साथ सोफिया खान अभी जुड़ेंगी तारिक खान मेरे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक है विनीत जिंदल हैं सीनियर एडवोकेट हैं जिन्होंने ये पूरा जो मामला जो है जिसको लेकर इन्होंने शिकायत दर्ज की है तारीख खान मेरे मेरे पास शाजी आलि मुझे नहीं दिख रही जैसी शाजी जुड़ती है मैं उनके फिर जल्दी से आ, खान आप ही के पास आता हूँ जिस तरह के ममता बनर्जी ने शब्दों का इस्तेमाल किया है वो संवैधानिक की जो आ, देश में जो संविधान का एक तरह से सीधा सीधा उल्लंघन नहीं है सीधा सीधा संविधान की भावना को लेकर के चोट पहुंचाने का प्रयास नहीं है जैसा विनीत जिंदल जी कह रहे हैं इस तरीके का के बयान का समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं कर किसी भी नेता द्वारा किसी भी स्टेट के सीएम द्वारा वो चाहे ममता बनर्जी हो कहने में कुरेज नहीं है इस तरीके के बयान जिससे भारत की एकता और अखंडता पे किसी भी तरीके का प्रश्न लगे समाजवादी पार्टी अधिकृत रूप से उसका स्टैंड नहीं लेती है हम इस बयान का खंडन करते हैं हम इसका समर्थन नहीं करते हैं कि ऐसी बातें की जाए कि कहीं भी आग लगेगी अब बयान तो बहुत से लोगों के हैं लेकिन आप वही कहेंगे कि अभी मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूं कहीं नहीं ले जा रहा था कि अभी, आ, जो चौधरी के है उन्होंने ये भी आरोप लगाया सीधा सीधा उनका आज का बयान है उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि इस मामले से ठीक से जांच हो क्योंकि कई रहस्य सामने आ जाएंगे इसलिए वो इस पूरे मामले की जांच को लेकर के जो है सीरियस नहीं है क्या समाजवादी पार्टी को भी लगता अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे हैं कि जांच को लेकर कहीं ना कहीं टीएमसी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सीरियस नहीं है और आज ही वो रिकॉर्डिंग सामने आ गई जिसमें उसके परिवार को कहा गया था कि भाई अच्छा हाँ। दूसरे की रही है और सीबीआई को यह जांच है कितने मामलों ने सीबीआई ने जांच की और एक निष्कर्ष पे निकले गुजरात का ही मामला ले लीजिए जब दंगा हुआ था सीबीआई ने जांच की कुछ निष्कर्ष पे निकली एसआईटी बनी मैं इस पर नहीं कह रहा अगर राज्य सरकार नहीं भी सपोर्ट कर रही मैं आपकी बात से सहमत हूं तब भी सीबीआई में हमारी जांच एजेंसियों में इतना दम है कि वो सच को घसीट के बाहर निकाले कि हमारे आपके सामने होगा इंतजार इन, करने में हल आज से जजमेंटल होना नहीं सही है इंतजार करने में हल क्या है इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता सीबीआई पे हम भी भरोसा करते हैं आप भी भरोसा करते हैं वहां का मान लिया गया कि सीबीआई में दे दी अब वो कोई कानून बनाने की भी बात कर रही है इन सब बातों के लिए मैं ये कह रहा हूं कि न्याय के लिए थोड़ा इंतजार करना गलत हुआ है इसको मानते खान जी मुझे आपकी आप बात भी से कतई ऐतराज सिर्फ एक बात से आपने कहा मुझे ये मैंने नहीं मैं ये तो ये तो अधीर रंजन चौधरी का बयान था मेरा आ, बयान नहीं आ, था रंजन अधीर रंजन चौधरी जी का बयान था मेरा बयान नहीं था मैंने उन्हीं का बयान शब्द शाह पढ़ के सुनाया और इसीलिए उस पर रिएक्शन आपका मांगा ठीक है सीबीआई जांच चल रही है हालांकि मैं विनीत जिंदल जी आपके पास भी आऊंगा थोड़ी देर में क्योंकि अब ये भी बात है जब जांच की बात करी क्योंकि अब जांच की भी बात हो रही है तो सवाल ये भी उठते हैं ना कि भाई जिस तरह की खबरें आ रही हैं जिस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं उसमें ये आरोप लग रहे हैं कि भाई अगर सबूत ही वहाँ नष्ट कर दिए होंगे क्योंकि अगर क्राइम सीन को वहाँ पर इस तरह से डिस्टॉर्ट कर दिया गया तो सी बी आई किस हद तक कामयाब हो सकती है ये भी मैं पूछूंगा लेकिन उससे पहले शाह आप आपसे एक सवाल है वो वो बार बार ये बात आती है भाई और राज्य अभी फरूखाबाद में दो बेटियों ने दो लड़कियां जन्माष्टमी पे गई थी और उन्होंने जो है उसके बाद रात को उनकी जो है बॉडी सीधा सीधा पेड़ से लटकती हुई मिली अब इस मामले में भी जो सच है वो सामने नहीं आया है तो ये बात कि भाई इस तरह की चीजें तो तमाम राज्यों में हो रही हैं महिला अपराध एक बड़ा मुद्दा बन गया दिक्कत यह है कि जब बंगाल में होता है तो बीजेपी बोलती है उत्तर प्रदेश में होता है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोलती है जिसके जिस राज्य में होता है वो दूसरी पार्टी वहां खामोश हो जाती है तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं महिला अपराध के मामलों में जो है पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सीरियस नहीं है अपनी राजनीति चमकाने को छोड़ करके आ, आप म्यूट पर हैं म्यूट पर हैं शाजिया जी शाजिया जी म्यूट पर हैं आप अनम्यूट कर लीजिए मेरी आवाज आ, आ रही है जी आ रही है आ रही है बोलिए जी देखिए जहां तक महिलाएं हैं उनकी आत्मा और शरीर पर जिस तरह जो भी प्रहार हुए हैं वो किसी भी तरह से कोई राजनीतिक बैटल ग्राउंड या मैदान नहीं होना चाहिए और वो हो गए हैं और लोग बाकायदा खासतौर से जो हमारी पूरा समाज है वो इतना पोलिटिसाइज हो गया है कि हम लोग हर एक जगह में देखते हैं कि किसका राज्य कौन सा राज्य है किसका शासन है क्या जाति है क्या जात है और क्या मजहब है उस पीड़िता का चाहे वो सर्वाइवर हो या विक्टिम हो या उस रेपिस का उस बलात्कारी का या उस मोडर का इससे ज़ाहिर सी बात है बचने की ज़रूरत है और इससे किसी का ख़ास तौर से हमारी बहनों का बच्चियों का कुछ फ़ायदा तो हो उसमें होना नहीं है लेकिन अब देखिए लगातार इस तरह के मामले हो रहे हैं और संजय है। आप आप रॉय नामक जो शख्स है वो क्यों वॉल्टियर उसको बनाया गया है वो क्यों सिविक वॉलंटियर के तौर पर उसको इतना एक्सेस है कि वो बाकायदा जाकर एक अस्पताल में जो एक काफी सरकारी अस्पताल में जाकर जो कुछ करता है उसको उसका बयान फिर से करना मुझे लगता है तकलीफ देह है जब भी आप उसका जिक्र करेंगे तकलीफ़ होगी आपको भी मुझे भी और सुनने वालों को भी अब प्रिंसिपल की बात करते हैं वो ओएसडी होते हैं ख़ासतौर से उनको इतने करीबी होते हैं कि उनको बाकायदा सालगराह की और बाकी ग्रीटिंग्स दी जाती हैं बावजूद उसके कि इतने संगीत निज़ाम लगातार उन पर लगते आ रहे हैं और उनको प्रमोट भी किया जाता है बारह घंटे में उनको ट्रांसफ़र भी किया जाता है अब देखिए वहाँ के पुलिस कमिश्नर और उनका रोल कि जिस तरह से बाकायदा जिस कोलकाता पुलिस जो इतनी ए, इतनी उग्र तरीके से छात्रों पर चाहे भाजपा को आप कह दीजिए चाहे आप कह दिए कोई वामपंथी दल है जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है हम देख रहे हैं कई लोग हैं अब उनको कोई छात्र मान रहा है कोई छात्र के परिवार मान रहा है कोई अभय के माँ बाप के सपोर्टर्स मांग रहा है कोई न्याय न्याय मांगने वाले आम लोग उनको मान रहा है और कोई लोग उसे पोलिटिकली जो कोई भी होम वहां पे जब आप लाठियां चला सकते हैं आप टीओ गैस फेंक सकते हैं जिस तरह से आप वाटर कैनन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं काश आपने उस वक्त उस भीड़ को जो बाकायदा आकर सर्वर रूम तक पहुंच रही थी और तोड़फोड़ कर रही थी उसी पुलिस का इस्तेमाल किया होता नहीं लेकिन तारिक खान तो जी ने तो एक सवाल उठाया ना शाजिया जी वो ये कह रहे हैं कि अब सी बी हो रही है तो फिर सी बी पर तो सब भरोसा कर सकते हैं

वो नहीं हुआ लोग लगातार आते रहे जाते रहे तेरह चौदह घंटे के बाद एफ आई आर हुई इतनी झूठी सच्ची थ्योरीज आई तो मतलब ये कह देना सरलीकरण है और बचाने की कोशिश है बचाने की कोशिश ना करे दीदी की दादागिरी जिस तरह से चल रही है और जिस तरह से वो डरा धमका रही है मुझे okay. साफ लगता है है खुद okay. okay. okay, okay, बहुत मैं 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 खान जो okay. नहीं है तो 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 जी आप ही के पास आ रहा हूँ एक मिनट तो तो सोफिया जी रुकी मैं तारीख मौका दूंगा तारीख खान जी ये ठीक है जो बात अभी शाजिया जी ने कही उससे मैं मैं भी इसलिए विनीत जिंदल जी के पास जाना चाहता था क्योंकि आरुषि मर्डर केस में हमने देखा क्राइम सीन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया लेकिन ये ठीक है इस पर इससे इलीगली बात करें लेकिन आप जो बिंदु रखना चाहते हैं बोली मैं ये कह रहा चलिए ठीक है क्राइम सीन को डिस्टर्ब किया गया जब खान का घर और फैक्ट्री को तोड़ा गया वहीं पे बताया गया था कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ आपने उसको तोड़ दिया तो क्राइम सीन नहीं डिस्टर्ब हुआ तब क्राइम सीन नहीं डिस्टर्ब हुआ मैम आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए सवाल नंबर एक साथी साथी का बच्ची का है? मैम सुन लीजिए मैम पूरा पूरा दा दा करने दीजिए मैम आप ही को जवाब देना, भाई देना। भाई आप ही को जवाब देना एक मिनटिया जी एक मिनट शाजिया जी एक मिनट मिनट उनका बिंदु पूरा आ जाए फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का आप लीजिए कानून ये कहता है अजमल कसाब के खिलाफ भी कानून के सामने सिद्ध करना पड़ा कि उसने इतना जघन्य अपराध किया अगर क्राइम सीन वहीं पर हुआ था कहा गया कि उसी फैक्ट्री में जो उसकी बेकरी थी वही दुष्कर्म किया गया आपने तोड़ डाला उसको डिस्टर्ब नहीं हुआ क्राइम सीन पुलिस को दिक्कत नहीं होगी उस कनेक्ट को जज के सामने रखने में पहला हुँ। सवाल हुँ। दूसरा सवाल मैंने कहा ममता जी ने गलत किया हेमंत बीस शर्मा ने कहा मैं पक्षपात करूंगा हिंदू मुसलमान में पक्षपात करूंगा हिंदू का पक्ष लूंगा क्या बीजेपी की प्रवक्ता यहां सिर्फ इतना कहेंगी कि हाँ ये गलत है शपथ के अगेंस्ट है क्या सिर्फ इतना कहेंगी अगर हिम्मत है तो okay, कीजिए देखिए मुझे लगता नहीं है किसी को भी इस तरह से साफ तौर पर कम्युनल कम्युनिटी के आधार पर बात करनी चाहिए और ना ही पक्षपात करना चाहिए लेकिन अगर इस तरह की बातें हो रही हैं कि यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाएगा और पूरी तरह से पॉपुलेशन बढ़ने के बाद भी विक्टिम कार्ड खेला जाएगा तो उसको लेकर अगर वो स्पष्टीकरण दे, दे रहे हैं तो ये उनकी बात है लेकिन लगातार जो आपकी पार्टी ने भाई साहब और जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से चाहे वो मनमोहन सिंह हो जिन्होंने बात की देश में जितने भी संसाधन हैं वो किसी खास कम्युनिटी की या फिर राजीव गांधी जी ने जो दिखाया है रवैया अपना आ, शाहबानो केस में या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड को खास तौर से खुश करने के लिए जो जो उन्होंने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के कानूनों के साथ छेड़छाड़ की है वो सबके सामने है जिस तरह से कमलनाथ okay. ने कहा कि पूरे मुसलमानों को एक साथ हो जाना अशोक भाई बोलिए 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 जवाब बोलिए बोलिए अशोक 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 अच्छा अच्छा बोलिए अपनी बात पूरी कर लीजिए अच्छा उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए पूरी हो जाने दीजिए ये, तो बात इस देश में मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीतिकरण किया जा रहा है उनको वोट जिहाद का सामान बनाकर बाकायदा इस्तेमाल करके अपने घरों के लिए वोट लिए जा रहे हैं उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ चाहे वो बात हो हिंदू कोर्ट बिल की जो नेहरू जी ने जिसकी शुरुआत की जिनकी हिम्मत नहीं हुई मुस्लिम लॉ को कोटिफाई करने की या फिर कोई भी रा, राहत पहुंचाने की जिन्होंने यूसीसी के जरिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जरिए ठंडे बस्ते में डाल दिया सारा मामला या फिर बात हो रा, राजीव गांधी की जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना को क्योंकि वो बोर्ड के ठेकेदार हैं और एक तरह से उसी सब वक्त बोर्ड वगैरह के वो जमींदार हैं उनको खुश करने के लिए कितना बड़ा समझौता किया देश के संविधान के साथ देश के कानून के साथ और रूल ऑफ लॉ के साथ ऑर्डिनेंस लाकर ना सिर्फ ये लगातार okay. जिस तरह की मानसिकता रही है चाहे वो मनमोहन सिंह हो या कमलनाथ हो okay. जो कह रहे हैं देखिए चाहे वो चिदंबरम हो जो बाकायदा लगातार कह रहे थे भगवा टेरर भगवा आतंकवाद तो ये सब क्या था भाई साहब ठीक है मैं मैं एक मिनट एक मिनट एक तो आप बात दोनों तरफ की कीजिए हाँ ओके ओके मैं एक मिनट आप चाहे तो तारिक खान रिस्पॉन्ड करे लेकिन मेरा मानना विषय से विषय एक मिनट रुकिए मेरी बात सुन लीजिए विषय से विषयांतर हो रहे हैं लेकिन आप जिस आपने जिसका जो, जो जो आप कहेंगे जो आप कह, कह, कहना चाह रहे हैं उसको लेकर के शाजिया ने कहा और इस तरह की वोट जिहाद से लेकर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो हम खुलते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं देश के प्रधानमंत्री का भी बयान का जिक्र उन्होंने किया है कि देश के संसाधनों पर पहला एक हक मुसलमानों का है तो मुझे लगता है इस तरह की डिबेट अलग चली जाएगी लेकिन फिर भी आप अपनी बात जोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको मौका देता हूँ पर मैं उसके बाद इस विषय पर ही आऊँगा जी मैंने सिंगल वर्ड में शुरुआत की कि ममता बैनर्जी के साथ नहीं स्टैंड करती गलत कहा कर। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन अपने सीएम को यह नहीं कह पाए कि हाँ गलत कहा नहीं कहना चाहिए दो अल्फाज चाहता हूं सिर्फ गलत कहा नहीं कहना चाहिए शपथ ही इस बात के लिए की बात ना कीजिए आप कुछ आप प्रवक्ता हैं या ऐसे ही चली आए आप अधिकृत प्रवक्ता हैं या ऐसे ही आई मुझे नहीं पता आप कौन आपा है। मैं आपको जानता नहीं मुद्दों नहीं, 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 नहीं मैं तो मुद्दों पर ही हूँ मैं मुद्दों पर ही हूँ सुनिए नहीं नहीं तारिक खान जी वो अधिकृत प्रवक्ता है एक बात सुनिए नहीं नहीं सुनिए ना सुनिए ना एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुनिए ना अरे तो सुनिए अरे तारिक तारिक खान जी अच्छा ठीक है मैं उनसे कहलवा देता हूँ आप बोल दीजिए मुलायम सिंह ने कहा लड़कों से गलती हो जाती है मुलायम सिंह का बयान गलत था बोलिए आप भी तो प्रवक्ता हैं अब आप वहां ले गए अरे क्यों नहीं अरे अभी ले आप अभी आप उधर ले गए थे तो मैं भी मैं तो मैं तो बंगाल छोड़कर जाना नहीं चाहता था आप आप बंगाल छोड़कर इधर आए क्या नहीं क्या नहीं सर मतलब आपको आप प्रवक्ताओं को हक है जलेबी बनाने का आप प्रवक्ताओं को हक है जलेबी बनाने का मैंने दो करंट सर मैं भी आपसे पूछ रहा हूं ना मैं भी भाई उन्होंने उन्होंने जवाब दिया उन्होंने कहा आ, कि अगर देश का उन्होंने कहा अगर देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है किस कंटेक्स में कह रहा है कि संसाधनों पर पहला मुसलमानों का है आपका कोई आ, नेता जो है कांग्रेस का नेता ये कह रहा है वोट जिहाद करिए और इसी तरह के बयान बार बार दिए जाते तो उन्होंने उसके कंटेक्ट उनका उन्होंने उसका करा मतलब, और, मतलब, और, और, और आप जले जलेबी बनाना कह रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ तो फिर आपसे भी पूछा जा सकता है बड़ा सिंपल सी बात है बिल्कुल पूछिए बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल तो इसीलिए मैंने कहा मुद्दा पर आते हैं चलिए मुद्दा पर आते हैं मुझे लगता है मुझे लगता है बंगाल पर ही रहे नहीं तो फिर हम मुलायम सिंह तक पहुंचे नेहरू तक पहुंचेंगे फिर गांधी तक पहुंचेंगे इसीलिए मुझे लगता है कि जो बंगाल बंगाल पर आ सोफिया जी बोलिए आपको क्या आपत्ति है बोलिए अशोक जी अशोक जी सुनिए है अभी आपने जब शाचिया जी से पूछा कि सीबीआई अगर मामला सीबीआई देख रही है तो दिक्कत क्या है तो उन्होंने खैर यहाँ वहाँ जापान और चीन पहुंच गई वो खैर बहरहाल ये तो मुद्दों से भटकाने की इनकी आदत इनके पास जब जवाब नहीं होता तो ये किसी और मुद्दों में पहुंच जाती है और दूसरी बात है इन्होंने ही एक शब्द का इस्तेमाल किया वो है संजय राव तो ये कबूलती है कि संजय राव जो अक्यूज है वो पकड़े गए हैं सीबीआई जांच कर रही है सीबीआई ने पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कर लिया कितने है। कितने, कितने आदर से आपने संजय राय का नाम लिया संजय राय पकड़े गए हैं कितने आदर से वो दिखाता है संजय राय को किस तरह से वहां पर जो है एक तो ने ने एक बलात्कारी को एक बलात्कारी को पुलिस की बाइक लेकर घूमने का हक था, था एक बलात्कारी को आरजी कौर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के रूम में अपना जन्मदिन मनाने का हक था एक बलात्कारी को वहां पर जो है पुलिस का स्टिकर लगा के घूमने का हक था वॉलेंटियर वो वो बलात्कारी सुनिए सोफिया जी वो बलात्कारी टीएमसी का वॉलेंटियर था और कुछ नहीं था इस बात को स्वीकार कीजिए पहले वो टीएमसी का वॉल था उस से हम मैंने 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 इसमें तो जो मेथिल जी वो वो का था। का का था था बाद में बना इसीलिए उसको हॉस्पिटल में भेज दिया गया इसीलिए पुलिस कमिश्नर ने अपनी बाइक दे दी इसलिए इसलिए आरजी का हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल है वो अपने रूम में केक कटाता था सूर्य जी पर एक

इस केस में एक्सक्लूसिव यह है कि पुलिस खुद अपराधी को बचाने के लिए पहले मां बाप को फोन करती है कि भैया अच्छा। आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है दूसरा एक्सक्लूसिव सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस पूछते हैं कि कब हुई तो बताते हैं आपके काउंसिल कि घंटे बाद हुई सुनिए सुनिए शाजिया जी सोफिया जी सुनिए सोफिया जी रुकिए रुकिए इनकी आवाज सोफिया जी सुनिए जरा सुनिए एक्सक्लूसिव आपने सवाल पूछा बता रहे हैं सुनिए एक्सक्लूसिव पूरे भारत में ये पहला मामला है जहां पर तेरह घंटे बाद एक बलात्कार की एफ होती है एक्सक्लूसिव इसलिए है कि आपने केवल एक संजय राय को बलि का बकरा बना दिया और जब पोस्टमार्टम हुआ है तो बॉडी के अंदर से एक सौ वो 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 नहीं, वो, वो, वो फैक्ट्री है वो अभी है है मैंने जाता ठीक इस प्रकार हाँ, की चीजें सुनने में आ रही है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं कि आप पूरी की पूरी टीएमसी आखिर क्यों रोड पे उतरी हुई है एक मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री भी है और स्वास्थ्य मंत्री भी है वो अपनी सरकार के खिलाफ बात कर रही है इसलिए ये एक्सक्लूसिव है एक महत्वपूर्ण बात और कि कोई भी यदि ट्विटर पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे इस केस के विषय में कुछ लिखता है तो बंगाल की पुलिस उसको पकड़ने पहुंच जाती है नोटिस देती है उस जो विक्टिम है उसकी फ्रेंड को धमकाया गया नोटिस दिया गया थाने में बुलाया गया तो ये है बंगाल की पुलिस ये। इसलिए ये केस एक्सक्लूसिव हो जाता है और सुनिए यूपी में यदि ऐसा कुछ होता है तो बुलडोजर चलता है एनकाउंटर होता है गाड़ियां भी पलटती हैं लेकिन बंगाल में दीदी जो है वो हर अपराधी को अपने आंख चल देती है इसलिए बंगाल के अंदर स्थिति भयावह आया है ओके वैसे एक बात बता दूं सोफिया जी एक बात बता दूं जो खबरें आ रही हैं मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है जो खबरें आ रही हैं वो ये भी कहती है और मैं यहां पर ही यूपी के मॉडल को लेकर के बहुत कुछ विरोध होता है पक्ष में आते हैं अलग अलग तरह के वर्जन है लेकिन एक वर्जन यह भी है कि जो अभिषेक जो हैं उन्होंने जो ममता जी के करीबी हैं उनके उनके पार्टी के नंबर टू हैं उन्होंने खुद इस बात को कहा पार्टी फोरम पर कि ये एनकाउंटर होना चाहिए था मैं नहीं कह रहा कि इनका। मैं नहीं कह रहा वो सही कह रहे थे गलत कह रहे थे लेकिन वो खुद बंगाल की पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है इसलिए वो ममता बनर्जी के साथ इन दिनों कहीं नहीं दिख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव हो रहा है बंगाल में इस बात को महसूस कीजिए लेकिन एक ब्रेक लेता हूं ब्रेक के बाद मैं आऊंगा जांच के विषय पर आऊंगा क्योंकि बार बार ये बात हो रही है अगर सीबीआई जांच कर रही है तो फिर सीबीआई जांच का भी बीजेपी को भी प्रतीक्षा करनी चाहिए बाकी को भी प्रतीक्षा करनी चाहिए सीबीआई जांच चल रही है तो फिर यह आंदोलन के मैं आऊंगा इस पर छोटे से ब्रेक के बाद Cut! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल इसीलिए ले आइए आई के ट्रैक्टर ब्रांड का शिमबा जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी दादू हुँ? आपका मतलब बहुत प्यारा बिल्कुल तुम्हारे जैसा पापा ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर हाँ रिटर्न्स, बोनस और इनाम जीतने का मौका मुझे मार मतलब मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुलाड़ी मारना इसका मतलब से पूछो समझा पापा पावी <laughs> कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी अब डबल एम रिप्स के साथ गैलेंट एडवांस टी एम टी निर्माण का रियल हीरो शादी का किचन के जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ गोल्डी लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश दो टुक आप देख रहे हैं दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं आ, आ, बंगाल ममता क्यों हुई लाल जिस तरह से ममता बनर्जी ने देश में तमाम राज्यों को जलाने की जो धमकी दी थी धमकी थी या उनकी कोई योजना है? मैं नहीं जानता लेकिन जो उन्होंने धमकी दी थी वो तो शर्मनाक थी उसी को लेकर के उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग उठ रही है पहली मुख्यमंत्री देश की ऐसी होंगी जिन्होंने दूसरे राज्यों को जलाने की धमकी इस तरह से दी है सवाल यह कि ममता बनर्जी क्या अपने ही राज्य में घिर गई हैं क्या अपनी ही पुलिस अपना ही जो उनका जो उनकी पार्टी है वहां पर अलग थलग पड़ती जा रही है, गिर गई हैं और इसीलिए इस इस तरह तरह से उन्होंने में इस तरह का बयान दिया सब चर्चा कर रही है। तो कर रही है सब भरोसा रखना चाहिए लेकिन जैसे शाजिया जी ने कहा बात उठाई थी हमने देखा वहां पर जो क्राइम सीन था सब लोग आ रहे थे जा रहे थे और आज तक उसमें जो है हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो क्या वहाँ पर भी वीडियोज़ आई कि वहाँ पर क्राइम जो सीन था वहाँ पर लोग घूम रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं उसको वो नहीं किया क्या इससे सीबीआई जांच प्रभावित हो सकती है क्या जी बिल्कुल बिल्कुल देखिए एविडेंसेस कलेक्ट करना इनिशियल स्टेज के ऊपर बहुत आवश्यक होता है और वो जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है अगर दो या तीन दिन का समय जिस तो, जो समय बंगाल पुलिस के पास था अगर उन्होंने उस समय पे कोई भी अपना ऐसा जैसा एविडेंस जो इम्पोर्टेंट था और उसको किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय किया या वो हैम्पर हुआ तो बिल्कुल पूरी इन्वेस्टिगेशन तहस नहस हो सकती है जो हम न्याय की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिफीट हो सकता है देखिए इस पूरे मामले में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बार बार ये बात निकल के आ रही है कि भाई सी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो लोग आवाज क्यों उठा रहे हैं उसका एक कारण है आप जब तक बंगाल पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन थी और अब सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन आई है आप देखिए लगातार रोज नई नई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं हैं जो ये बताती है कि बंगाल पुलिस के पास जब तक इन्वेस्टिगेशन थी तो कहीं ना कहीं कोताही बरती गई कहीं ना कहीं किसी किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश की गई कहीं ना कहीं ऐसी चीजें दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं जो बंगाल पुलिस की जो इन्वॉल्वमेंट है इन्वेस्टिगेशन को लेके कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क में है और हैं कि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का, का जो डेलीगेशन आपसे मिलने गया ममता बनर्जी से क्यों आपने उसको मना किया क्यों नहीं आप लोगों को सेटिस्फाई कर पा रही इस चीज को कि देखिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है आप दस दिन में सजा देने की बात कर रहे हैं कि फांसी दी जाएगी बलात्कारी को दस दिन में भाई जब आपकी पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन थी आपने उसमें कोताही बरती आप उन पुलिस वालों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती और उसके बावजूद आप ये कहती हैं कि जी हम अब नया लॉ बनाएंगे जिसमें दस दिन में आपको सजा सामने दिखेगी बल्कि इसमें एक पक्ष क्या? ये भी है जो पीड़ित पक्ष है पीड़ित पक्ष ने यह भी कहा कि जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर है उनकी भूमिका संदिग्ध है वो तो ये भी कह रहे हैं कि उनको हटाई तो सवाल ये की है हमको पीड़ित परिवार को भी संतुष्ट नहीं कर रहे लेकिन एक बात विनीत जी जल्दी से मैं आपसे बहुत संक्षेप में एक वो चाहूंगा तारिक खान जी ने एक बात की उन्होंने कहा असम के मुख्यमंत्री ने भी एक किस तरह का बयान दिया कुछ करके तो आपको भी ममता बनर्जी के बयान ही क्यों लगा कि उसमें राजद्रोह का बाकी भी मुख्यमंत्री या कोई नेता इस तरह के बयान देते हैं आपको क्यों लगा कि ममता बनर्जी का बयान एक्सक्लूसिव है या अलग हटकर देखिए दो अलग अलग, अलग चीजें हैं अशोक जी पहली बात ममता बनर्जी का बयान दूसरे स्टेट्स के लोगों को थ्रेट करने वाला है जो असम के मुख्यमंत्री ने बयान दिया वो बयान उनको देना पड़ा मजबूरन उसका कारण ये है कि वहां पे जो डेमोग्रेफिक चेंजेस हो रहे हैं उसको लेके बहुत बड़ी चिंता का विषय है और ये एमएचए की रिपोर्ट है कि और उन्होंने दे, हमारे देश के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कहा है उन्होंने कहा तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप समझिए आप किसी भी बात को तोड़ मड़ोड़ने की बात कर रहे थे अभी जलेबी की बात हो रही थी आप बना दीजिए जो मर्जी लेकिन ये समझिए कि ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो लोग हमारे देश के अंदर इन्फेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को रोकना बहुत जरूरी है अदरवाइज हमारे जो सीमावर्ती प्रदेश हैं उनके डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे और आपको भुगतना पड़ेगा हम सब लोगों को भुगतना पड़ेगा और जो लोग आज अहमद बिस्वा शर्मा के बयान का विरोध कर रहे हैं वही लोग होंगे जिनको अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा ओके आ, आ, सुफिया खान जी आपसे एक सवाल जल्दी से तेरह साल में ममता बनर्जी पहली बार शायद इतना नर्वस दिख रही है मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि उनके पार्टी के अंदर से लगातार जो खबरें आ रही हैं एक सांसद एक पूर्व सांसद प्रवक्ता को भी हटाया जाता है एक सांसद अपने बचाव के लिए जो है वो हाईकोर्ट जाता है क्योंकि कोलकाता पुलिस उसको भी धमकी दे देती है ममता बनर्जी ने आप कल की बात कर रही हैं कि कल के उनके बयान को ठीक आज भी उन्होंने कहा बाहरी लोग ढंग से रहें वरना बाहरी लोग कौन है बंगाल में मतलब अगर कोई बाहर का कोई व्यक्ति रह रहा बाहरी लोग ढंग से रहें वरना ठीक नहीं होगा फिर उन्होंने डॉक्टर्स को कहा एक तरह से उन्होंने घुमा फिरा के धमकी दे दी कि कुछ अगर हो जाएगा ना तो ना विदेश दौरे पर जा पाओगे ना नौकरी लगेगी इस तरह की जो धमकियाँ दे रही हैं ये क्या वो वास्तव में घिर गई हैं बेबस महसूस कर रही हैं इसलिए अशोक जी देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये धमकी नहीं है जो लोग बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो एंटी फोर्सेस फोर्सेज बाहरी लोग तरीके से रहे धमकी नहीं है बाहरी लोग वही जी, क्या कह रहे हैं आप बीस काम कर रहे हैं जो बंगाल के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं सीबीआई के काम में दखल दे रहे है वही लोग बाहरी लोग हैं नहीं मतलब आप कह रही है की बाहरी लोगों को उन्होंने कहा बाहरी लोग तरीके से रहे वरना ठीक नहीं होगा ये धमकी नहीं है आ, रेप बलात्कार और मर्डर हुए हैं लेकिन जिस राज्यों में भी बलात्कार और भाजपा के शासित वाले जो राज्य हैं उसमें जो बलात्कार हुआ है वो भी, वो भी नहीं वहाँ पर भी बचेगा वहां पर उसी तरीके से आंदोलन होंगे आप मैं फिर तो कह कह रहा हूं, आप तो, ये रही कि धमकी नहीं है मुझे हैरानी हो रही है सोफिया जी मुझे हैरानी आप कह रही है धमकी नहीं है मतलब धमकी नहीं है उनकी पूरी प्लानिंग है धमकी नहीं है आप ये कह रही है कि सीरियसली लीजिए वो वास्तव में कुछ कर देंगी धमकी नहीं है आप ये कहना चाह रही हैं ये धमकी नहीं है भाई जी यही 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 बिल्कुल यही यही सत्य है जो ममता बनर्जी दीदी ने कहा है कि भैया ना बंगाल में अगर बंगाल में एजिटेशन हुआ तो उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड उड़ीसा ये जितने भी राज्य हैं इन सब में आग लगेगी ये धमकी नहीं है क्योंकि ये प्री प्लान है ममता दीदी ने तय कर लिया है कि वो इस देश में आग लगाने को तैयार है यदि यदि उनके आशर, उनके उनके कुशासन भ्रष्टाचार द्वारा की गई के खिलाफ वहां वहां का का डॉक्टर खड़ा हो जाएगा नागरिक खड़ा हो जाएगा वहां की जनता खड़ी हो जाएगी तो वो सब चीज डिस्टर्ब कर देंगी एक और महत्वपूर्ण बात ये महिला है सोफिया हाँ। खान हमारी बहन है मैं इनसे बोलना चाहता हूं सुनिए बहन जी आपको भी इस मुद्दे पर अपनी बंगाल सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए क्योंकि तो बहन बेटी सबकी होती है ना वो उत्तर प्रदेश की है ना वो बिहार की है वो सब भारत की बेटी वो है। वो छोड़ दीजिए निजी में विश्व विषय में नहीं जाता लेकिन तारिक खान जी एक चीज आ, मैं फिर तारिक खान जी आपने शुरू में कहा कि जो उनका बया, बयान था उससे आप इतफाक नहीं रखते अभी मैंने कहा उन्होंने आज डॉक्टर्स को कहा कि भैया ये सब बंद करो नहीं तो ठप्पा लग जाएगा तो विदेश नहीं जा पाओगे नौकरी नहीं मिलेगी उन्होंने बाहरी लोगों का बाहरी लोगों का तरीके से वरना सोफिया खान जी कह रही धमकी नहीं है तो फिर अगर इसी तरह से स्टेट को चलाना चाह रहे हैं तो फिर उसके बाद फिर क्या बचा देखिए ऐसा है कि स्टेट लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट के पास ही रहेगा केंद्र अपने पास तो रख नहीं लेगा या तो दिल्ली जैसे पावर्स चाहिए इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए देखिए वहां सुप्रीम कोर्ट में जो बातें आई ये तो हुआ कि गलत हुआ है और बहुत सी चीजें जो प्रोसीडिंग थी जो कार्रवाई थी उसमें भी गलतियां सुप्रीम कोर्ट में सामने आए उसको नकारा बीजेपी भी नकार देती हम नहीं कर पाते ऐसा क्यों सामने बैठ के आंख में आग डाल के कैसे झूठ बोल लेंगे तो इसलिए उन चीजों को उनको ठीक करने के लिए राज्य सरकार कोशिश कर रही है उनके ऊपर यकीन रखना चाहिए सीबीआई पे यकीन रखना चाहिए और आगे देखना चाहिए कि क्या नहीं नहीं आपकी बात से वे नहीं नहीं, नहीं तारीख जी तारीख जी एक, एक मिनट छोटी सी बात आपने कहा यकीन मैं ठीक है आपकी बात से सहमत हूँ सीबीआई हमें, हमें यकीन लेकिन राज्य सरकार पर अब भी हम कैसे यकीन करें मैं फिर कह रहा हूँ ना वो डॉक्टर्स को कभी धमकी दे रही है कभी कैसे उस सरकार पर यकीन करेंगे जो आए दिन जो मुख्यमंत्री धमकी दे रही है अशोक धमकी नहीं है जो लोग भी बंगाल के खिलाफ काम देखे, करेंगे देश के खिलाफ काम करेंगे उसके 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 लिए चेतावनी है अगर देश के खिलाफ आपको काम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो पहले पुलिस को बोलिए सुनिए अगर अगर देश के खिलाफ सोफिया जी अगर देश के खिलाफ कार्रवाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है तो पहले राकेश टिकैत को उठा के बंगाल कोलकाता पुलिस को बोलिए जेल में डाल दें राकेश टिकैत ने उस पीड़ित परिवार के खिलाफ बयान दिया है राकेश टिकैत ने यह क्या कि बांग्लादेश बना देंगे जरा आप करिए ना राकेश टिकैत के खिलाफ उनको तो उनको तो ममता दीदी जो है उनको उनके लिए विशेष मंच सजाती है अपना अपना अपना, अपना मेहमान भेजती हैं उनको एयरपोर्ट पर लेने के लिए करिए ना अगर तो देश तो विरोधी कार्रवाई तो, तो देश विरोधी कार्रवाईओं पर अगर एक्शन लेना तो लीजिए ना किसने रोका है यही डबल स्टैंडर्ड है आप लोगों के यही डबल स्टैंडर्ड है आप कहते हैं देश विरोधी कार्रवाई वो तो बंगाल बंगाल देश नहीं है बंगाल देश का एक हिस्सा है इस बात को याद रखिए और बंगाल कोई अलग से भी देश नहीं है बंगाल इस देश का हिस्सा है और बाकी जैसे बंगाल है वैसे असम भी है वैसे उत्तर प्रदेश द, 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 भी है कृपया करके कृपया करके वहां पुलिस को कहिए एक्शन लीजिए वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए वहां बहु बेटियों की हिफाजत की सोचिए लोगों को धमकाइए मत देश जलाने की बातें मत कीजिए बाकी मुझे नहीं पता इस पूरे मामले में लीगल एंगल क्या है लेकिन समय इतना ही है बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का दो टूक में शामिल होने के लिए कल आपसे मुलाकात होगी फिलहाल इजाजत दीजिए नमस्कार